तो हेलो दोस्तों, मैं हफीज और आप देख रहे हैं गप शप द हफीज। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने पृथ्वीराज का टीजर देखा। एंड दोस्तों, अगर वन वर्ड में इस टीजर को भाई डिस्क्राइब करना हो देन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इट्स लुकिंग वेरी 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 प्रॉमिसिंग टीजर। एंड अक्षय कुमार इस बार हमें हटके देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अक्षय कुमार को हमने ज्यादातर कॉमेडी और एक्शन सीक्वेंसेस करते हुए देखा है, लेकिन इस बार वो टोटली डिफरेंट स्क्रिप्ट और डिफरेंट फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। और दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या अक्षय इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस रोल? तो मेरे हिसाब से हाँ, अक्षय कुमार इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर दिस रोल। क्योंकि दोस्तों, अक्षय कुमार जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करते हैं और जिस तरीके से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, भाई ये रोल उनके ऊपर डेफिनेटली सूट करने वाला है। हालांकि दोस्तों, कई सारे लोग इसकी कास्टिंग से खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि इस रोल को करने के लिए कोई दमदार एक्टर लेना चाहिए था, जैसे कि ऋतिक रोशन और निकितन धीर। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार ने अभी तक के जितने भी रोल किए हैं, उन्होंने अपने रोल पूरी बखूबी से जस्टिफाई किया है। और डेफिनेटली ये पृथ्वीराज का कैरेक्टर भी वो पूरी तरीके से जस्टिफाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस टीजर में मुझे एक कमी जरूर लगी और वो है इसका VFX डिपार्टमेंट। क्योंकि दोस्तों, अगर आप टीजर को ध्यान से देखेंगे और टीजर के आखिरी पलों में देखेंगे तो अक्षय कुमार जब मनुष्य छिल्लर को उठाता है, वहां पे VFX काफी बचकाना लगता है। और दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म में हमें संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं और इसी तरीके के रोल में हम उनको पानीपत में भी देख चुके हैं। और इन दोनों के अलावा फिल्म में हमें सोनू सूद भी नजर आ रहे हैं और सोनू सूद के कैरेक्टर से मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। और दोस्तों, इन सब के एक्टर्स के अलावा फिल्म में काफी हाई बजट यूज किया गया है और काफी बड़ा सेट तैयार किया गया है। एंड डेफिनेटली दोस्तों, इसके टीजर से फिल्म में दिखाए गए बैटल ग्राउंड के सीन्स, इसमें दिखाई गई सेना बिग बजट को दर्शाती है। एंड दोस्तों, टीजर का प्लस पॉइंट इसका BGM मुझे लगा। इसका BGM काफी बढ़िया था और इसके BGM ने ही गोज बम्प पैदा कर दिए, स्पेशली जब अक्षय कुमार की एंट्री होती है, वो सीन काफी कमाल का था। एंड फाइनली दोस्तों, मैं मेंशन करना चाहता हूँ स्पेशली अभिमन्यु सिंह की वॉइस ओवर में जो टीजर के स्टार्टिंग में हमें सुनने को मिलती है, उनका वॉइस ओवर भी काफी कमाल का लग रहा था। तो और दोस्तों, पृथ्वीराज का टीजर काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एंड डेफिनेटली दोस्तों, ये फिल्म काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। फिलहाल दोस्तों, मैं इसके टीजर को रेट करने वाला हूँ 3.9 out of 5 stars। फिलहाल दोस्तों, आपको टीजर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं इसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।